वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज एक न्यू टॉपिक आपके साथ में स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम अपने सामने आप स्क्रीन पर दे सकते हैं, नेशनल इनकम इन ओपन इकोनॉमी। तो नेशनल इनकम डिटरमिनेशन इन एन ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट। देखिए, अभी तक हमने नेशनल इनकम डिटरमिनेशन, हमारा इससे पीछे जो चैप्टर था वो भी था, उसका भी नाम नेशनल इनकम डिटरमिनेशन था, बट इन क्लोज इकोनॉमी था, जिसके अंदर सिर्फ हम दो ही सेक्टर लेके चल रहे थे, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। लेकिन यहां पर अब आपका जो है गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाएगा और फॉरेन सेक्टर भी, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो क्लोज इकोनॉमी मॉडल में क्या रहता है कि सिर्फ हाउस होल्ड और एक आपका फर्म, दो ही चीजें रहती हैं। तो वहां पर हमने पढ़ा था इसे पिछले चैप्टर में, नेशनल इनकम डिटरमिनेशन इन क्लोज इकोनॉमी। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर दो चीजें और आ जाएंगी, तो नेशनल इनकम डिटरमिनेशन ओपन इकोनॉमी मॉडल हो जाएगा ये। तो टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम डिटरमिनेशन इन एन ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट। क्लियर है जी? अब आप यहां देखें, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, एक्सप्लेन द रीजन व्हाई इज इट इज नेगेटिव। लेकिन इससे पहले आपको एक क्वेश्चन कवर करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले कवर करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आपको यह समझना होगा बच्चे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर टू के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। देखिए, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट बेसिकली जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं, एक तो हम इसको बोलेंगे फिजिकल इन्वेस्टमेंट, और एक हमारा जो है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बच्चे, फिजिकल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे एक फर्म के पास में दो मशीनरी है, तो वो एक और मशीनरी ले आया, तो यहां पर जो है वो क्या है, वो लाइक मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, जो फिजिकल चीज है। अगर किसी फर्म में दो मशीन से तीन मशीन का हो जाना, तीन से चार मशीनरी का हो जाना, स्टॉक का ज्यादा हो जाना, पहले जितना स्टॉक था उससे ज्यादा स्टॉक है, तो इन सब इन्वेस्टमेंट को हम फिजिकल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके मान लो एक छोटी सी दुकान ही है और आप यहाँ पर रेफ्रिजरेटर ले आते हो दुकान में कोल्ड ड्रिंक वगैरह ताकि ठंडा रहे, तो वो आपका फिजिकल इन्वेस्टमेंट में कंसीडर होगा, क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ में आपने अपने दुकान में और भी अलग अलग वैरायटी के सामान, स्टॉक्स और भी आपने उसमें एडिशन कर दिए, तो जो आपके स्टॉक में एडिशन हुआ है वो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। इस इन्वेस्टमेंट को भी हम फिजिकल इन्वेस्टमेंट कहेंगे। क्लियर है जी? और बात हम करते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में, फॉर यहां पे मैं कुछ एग्जांपल ले लिया कि इसके एग्जांपल में लाइक मशीनरी, या स्टॉक, एटीसी, इसे हम फिजिकल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो आपने इन्वेस्ट तो करा है, लेकिन यहां पर कोई आपका गुड्स नहीं आएगा। आपका बेसिकली क्या हुआ कि ये सिर्फ एक ऑनरशिप आप ट्रांसफर हुआ, जो पहले किसी और का था वो शेयर सब आपके नाम हो गया, आप बेच देंगे, यही शेयर फिर किसी और के नाम हो जाएगा। तो डिवेंचर लेना, शेयर्स लेना, इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, ये भी इन्वेस्टमेंट में आता है, बट इस इन्वेस्टमेंट को हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम शेयर्स, ठीक है, बॉन्ड्स, डिबेंचर। शेयर्स क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। शेयर्स क्या होता है, मान लीजिए शिक्षा धाम जो कंपनी है, हमें अपने कंपनी को और बड़ा करने के लिए और फंड की नीड है, जिससे कि हम अपनी कंपनी को और बड़ा कर सकें। लेकिन ये फंड तो है इतने भारी मात्रा में, फंड की मात्रा की एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं मैं,
एक भारी मात्रा में फंड की रिक्वायरमेंट, मैं फंड कहां से लेकर के आऊंगा, ये पैसा कहां से लेकर के आऊंगा मैं। तो मैं चाह रहा हूं कि लोगों को ऑफर दूं कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, हमें जो प्रॉफिट होगा इस प्रॉफिट को हम आपस में बांटेंगे। तो आप कहेंगे कि हम आपकी कंपनी में पैसा तो लगा देंगे, लेकिन इसकी गारंटी क्या है जो प्रॉफिट होने पर हमें बांटोगे? तो बदले में गारंटी, मतलब कि मैं कंपनी का कुछ हिस्सा, एक तरीके से उसको अंश, वो मैं आपके नाम करूंगा, जब आप मुझे पैसे दोगे तो मैं एज अ कंसिडरेशन आपको कुछ पे करूंगा, मतलब कि कंपनी के शेयर्स मैं आपके नाम करूंगा। तो वो जो चीज है, कंपनी का एक अंश आपको दे दिया मैंने, इसी को हम शेयर बोलते हैं। क्लियर है? अब ध्यान रखना, आप इस शेयर को ले रहे हो तो अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो ही मैं बांटूंगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो आप मेरे ऊपर नहीं आएंगे कि आप हमें पैसा दो, हमने पैसा लगाया था, आपने कहा था हम आपको प्रॉफिट देंगे। आप कंपनी के एक मालिक की तरह हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी का एक अंश खरीदा है आपने, आपने कंपनी का शेयर खरीदा है। अब मालिक क्या होता है, अगर उसको मुनाफा होता है तो मुनाफा कमाता है, नहीं तो अगर उसको जो है कोई मुनाफा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कमाएगा, अगर नुकसान हुआ तो नुकसान भी झेलेगा। तो आपको एक मालिकाना हक मिला है, तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, और आपको जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस भी हो सकता है आपको। तो इस सिचुएशन में आप रेडी रहेंगे, तो इसको हम शेयर बोलते हैं। क्लियर है? अगर आप जो है ये बोलेंगे कि सर हम आपकी कंपनी में पैसा लगा देते हैं, लेकिन हमें तो भैया रिटर्न चाहिए ही चाहिए, अब आपका नुकसान हो या कितना भी प्रॉफिट हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, अगर आप एक फिक्स रिटर्न हमें दोगे तभी हम आपको आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे, तो मतलब कहीं ना कहीं फिर वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक तरीके से आप एक ऑनर वाली बात नहीं कर रहे हैं कि भैया हमें सिर्फ रिटर्न ही रिटर्न चाहिए। मालिक तो वो होता है जो नुकसान भी झेलता है, तो यहाँ पर आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको शेयर नहीं मिलेगा, तो आपको रिटर्न चाहिए। तो एक तरीके से आप पैसा मुझे उधार दे रहे हो, तो इसको हम, जब आप मुझे पैसा उधार दे रहे हो, मेरी कंपनी आने वाले टाइम में कितना भी ज्यादा प्रॉफिट कमाए उससे आपका कोई लेना देना नहीं रहेगा, नुकसान भी हो गया तो उससे भी आपको कोई लेना देना नहीं होगा, आपको जो रिटर्न है वो रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको जो रिटर्न में पेपर दूंगा कि मैंने आपसे इतने पैसे लिए, मैं आपको एक फिक्स रिटर्न दूंगा, उसको हम डिबेंचर बोलते हैं। मतलब जब कंपनी पब्लिक से उधार लेती है तो उसको हम डिबेंचर, जो बदले में इशू करती है वो डिबेंचर होता है। क्लियर है? अगर कोई सरकारी कंपनी पब्लिक से उधार ले रही है तो बदले में वो इशू करेगी एक पेपर, तो वो अगर वो गवर्नमेंट कंपनी यही काम करती है तो डिबेंचर की जगह पर उसको हम बॉन्ड्स कहते हैं। क्लियर है? प्राइवेट कंपनी कहती है तो डिबेंचर, और गवर्नमेंट कंपनी करती है तो उसको हम बॉन्ड्स कहते हैं। तो ये फर्क है डिबेंचर और बॉन्ड्स में और शेयर्स में। क्लियर है? तो ये अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट शेयर्स में कर रहे हैं, बॉन्ड्स में कर रहे हैं, और डिबेंचर में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। आपके इन्वेस्टमेंट में जो भी चेंजेस आएगा ये आपका इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है? शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, इसमें जो भी चेंजेस आएगा ये आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होगा, और चेंज इन फिजिकल गुड्स लाइक मशीनरी एंड स्टॉक, ये आपका क्या होगा, ये आपका फिजिकल आपका इन्वेस्टमेंट होगा। बात समझे? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, तो एक इन्वेस्टमेंट के अंदर आपके जो है, जैसे क्वेश्चन में है, क्या है, इंड्यूस्ड और आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। तो अगर इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है, एक स्वायत्त जिसे कहते हैं हम, मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड ऑन नेशनल इनकम। क्या होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मान लो कि मुझे लगा कि यार बीकॉम में ना ऑनलाइन पढ़ाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि जो बीकॉम के स्टूडेंट जनरली क्या होते हैं कि वो किसी जॉब वगैरह में इंगेज हो जाते हैं, उनमें इतना सफिशिएंट टाइम होता नहीं कि वो जा करके कोचिंग लें, और तो जॉब वाले बच्चे होते हैं इनको तो पॉकेट में, इनको क्लासेस और कॉन्सेप्ट अगर इनके पॉकेट में चला जाए तो जब इन पे टाइम होगा तब उस हिसाब से ही देख लेंगे, तो क्यों ना इनको ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पे दिया जाए, मेरे को ऐसा आइडिया आया। तो फिर हमने क्या करा कि हमने फिर सोचा कि चलो फिर हम स्मार्ट बोर्ड, कैमरा, माइक, ये सब चीज़ें हम जो है मैनेज करते हैं।
इससे क्या होगा कि हम अपना कोर्स को लॉन्च करेंगे, बच्चे कुछ इसके लिए मिनिमम अपनी जो भी फीस रखेंगे पे करेंगे, तो बदले में हमारी जो है इनकम जनरेट होगी, हमें प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट जो मैं कर रहा हूँ प्रॉफिट से मोटिवेट होकर के कि मुझे प्रॉफिट आन होगा, इस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। या फिर आपके पिताजी कोई दुकान वगैरह के बारे में प्लान कर रहे हैं, या कोई दुकान लगाते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि भैया कुछ दो पैसा उससे कमाया जाएगा, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहेंगे। और ये नेशनल इनकम पे इसलिए डिपेंड होता है, बताइए नेशनल इनकम अगर ज्यादा होगा, लोगों की आमदनी ज्यादा होगी, तभी तो लोग, अगर मेरे पास में पैसे का साधन था तभी तो मैं स्मार्ट बोर्ड और कैमरा और ये सब हम चीजें अरेंज कर पाए। क्योंकि हमारे साथ में तो ऐसा ही कोई कंपनी फंड करते नहीं है, हम किसी कंपनी का फंड वगैरह तो ऐसे है कि अभी तक तो खैर कंपनी किसी का फंड लिया नहीं, जो भी करना है अपनी जेब से पैसे लगा करके ही करना है। तो अगर नेशनल इनकम ज्यादा होगी ना, तो मतलब कि लोगों के पास में पैसा ज्यादा होगा। लोग, नेशनल इनकम ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, लोगों के पकड़ में ज्यादा पैसा होना। जब लोगों के पास में पैसा ज्यादा होगा तो डिमांड का लेवल भी हाई होगा, समझिए इस चीज को। और जब डिमांड का लेवल हाई होगा, डिमांड ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास में स्कोप है बिजनेस करने का, जिससे कि हम उसकी डिमांड फुलफिल करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर नेशनल इनकम ज्यादा होता है तो लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा होती है, परचेसिंग पावर ज्यादा होती है तो लोगों की डिमांड ज्यादा होती है, और लोगों की डिमांड ज्यादा होती है तो सप्लाई का स्कोप होता है, और जब सप्लाई का स्कोप ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, अब इन्वेस्टमेंट करते हैं उस सप्लाई को फुलफिल करने के लिए। और उस इन्वेस्टमेंट किससे वो मोटिवेटेड होता है, वो प्रॉफिट से मोटिवेटेड होता है। और उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलेंगे, उस इन्वेस्टमेंट को हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, जो कि नेशनल इनकम से डायरेक्टली रिलेट करता है। नेशनल इनकम ज्यादा होगा तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, नेशनल इनकम कम होगा तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हमारा कम होगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे, बात करते हैं हम यहाँ पर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की। बच्चे ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि मान लीजिए इस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट इट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट इट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट। मान लो गवर्नमेंट ने 2000 करोड़, 100 करोड़, कुछ भी एक इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में पैसा डाला। जनरली कब होता है, जब एक कुछ नया कुछ इन्वेंशन हो जाता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा डाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, जैसे कि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी के अंदर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि है ना, एनर्जी के लिए हमें बहुत ज्यादा किस पे, मतलब बिजली के लिए एनर्जी का मेन सोर्स कहाँ है हमारे पास में, इलेक्ट्रिसिटी। आज के टाइम पे मेट्रो अगर चल रही है इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, आज के टाइम पे ट्रेन चल रही है इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, तो एनर्जी का मेन सोर्स क्या बना हुआ है। हाँ आप कहते हैं कि भैया बैटरी वाले रिक्शे आ गए, बैटरी वाले हमारे पास में स्कूटी आ गई है, बैटरी वाले कार आ गए, बट बैटरी को भी चार्ज करने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी का सोर्स क्या है हमारे पास में, एनर्जी का सोर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी है, क्लियर है। और ये इलेक्ट्रिसिटी हमारा बनता कैसे है, इस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए जो मेनली हम यूज करते हैं कोल का, कोयले का इस्तेमाल करते हैं, कोयले को, कोयले से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो अलग बात है, हम वाटर से भी बना लेते हैं, हम जो है एयर से भी बनाते हैं, बट मेनली हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, मेनली हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी जो है कोल से प्रोड्यूस हो रहा है। और कोल एक ऐसी चीज है जो कि खत्म हो गई है, खत्म होने की काफी कगार पर है। एनर्जी का अगर मैं दूसरा सोर्स बात करूं, तो एनर्जी का हमारे पास में सोर्स क्या है, हमारे पास में पेट्रोल है। पेट्रोल आप पता है कि ये भी एक जो है कन्वेंशनल, ये भी आपका नहीं है, क्योंकि ये भी एक समय के बाद खत्म हो रही है और खत्म हो जाएगी, और नहीं भी हुई तो ये कुछ 5, 7, 8, 10 जो कि मिडल ईस्ट जो कंट्री है जिनके पास में चीजें होती हैं, ये आपस में मिल करके इसके रेट जब मर्जी जो है वो हाइप कर देती हैं, और उसको फिर हमें कीमत उसकी चुकानी पड़ती है, भारी रकम कीमत चुकानी पड़ती है। तो वो कहीं ना कहीं एक अफोर्डेबल नहीं है आज के टाइम पर कि हम एनर्जी का इतना बड़ा सोर्स जो है पेट्रोल से या डीजल से हम फुलफिल करें। तो कहीं ना कहीं हमारे हमारे क्या हर एक इकोनॉमी के पास में, वर्ल्ड में एक चैलेंज है कि एनर्जी का आने वाले टाइम में सोर्स क्या रहने वाला है, इस प्रकार की समस्या है। तो इस अब न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश कर और करते भी है, इसलिए न्यूक्लियर डीर होती है।
जिससे कि हम उसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। वो एक अलग बात है कि पाकिस्तान उसका बम बनाने में इस्तेमाल कर ले, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर मैं बात करूँ भारत का, तो न्यूक्लियर का इस्तेमाल हम किस में करें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। लेकिन फिर भी अब जो नया इन्वेंशन है वो क्या है, अब जो नया इन्वेंशन आ रहा है वो है सोलर पैनल, मतलब कि सौर ऊर्जा, जो धूप है होती है, जो एनर्जी होती है सोलर पैनल, उस एनर्जी से को भी हम जो है अपने यूज में ला सकते हैं। तो लेकिन इस एनर्जी को कौन लगाएगा, तो गवर्नमेंट, ये टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना, पेट्रोल से हम कहाँ जा रहे हैं, कोल से कहाँ जा रहे हैं, सोलर पैनल पे जा रहे हैं। तो जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है सोलर पैनल पे, इसके लिए गवर्नमेंट को एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इकोनॉमी के अंदर। अब सोलर पैनल मैं और आप एकदम से थोड़ी लगा लेंगे, गवर्नमेंट पहले उसके जो है उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स एस्टैब्लिश करेंगी, गवर्नमेंट उससे रिलेटेड उस पर काफ़ी कंसेशन देगी, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, तो ताकि लोगों के रीच वहाँ तक इजिली कन्वीनियंट हो जाए, जिससे कि लोग उसको अडॉप्ट कर पाए या फिर जो प्राइवेट फर्म है उसको अडॉप्ट कर पाए। इसके लिए गवर्नमेंट को पहले पैसा इसमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजी जब चेंजेस होती है, चेंजेस आता है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट एक पैसा अपनी तरफ से इकोनॉमी में डालती है। तो उस पैसे को, उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या, ये प्रॉफिट से मोटिवेटेड नहीं होती है, क्लियर है। इस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट, क्लियर है, बात समझे। और इसका तो नेशनल इनकम से लेना देना है, लेकिन इसका नेशनल इनकम से कोई भी लेना देना नहीं है कि नेशनल इनकम कितना है, ज्यादा है कितना कम है, ये गवर्नमेंट से रिलेट करता है। तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की कुछ कहानी समझ में आई, मैं अपने सवाल पर आपको लेके जाता हूं। मेरा सवाल क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंड्यूस इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो बाद में बात करूंगा मैं, क्लियर है। और यहां पर इन्वेस्टमेंट में तो एक बात अच्छे से आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं तो क्या होता है, और कुछ टर्म्स है, सब कुछ देख लीजिएगा, तो रीडिंग में फिर आपको समस्या नहीं आएगी। अब बच्चे एक मशीनरी मैं लेकर के आया था 1,00,000 रुपए में, ठीक है जी, जब लाया था पिछले साल की बात है, और आज मैं उसको बेचूंगा तो 1,00,000 में नहीं बिकेगा भाई, क्योंकि इस पे क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया, डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए लग गया। तो अब ये मशीन कितने का बचा, 90,000 रुपए का, क्लियर है जी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे ग्रॉस वैल्यू है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये डेप है। तो क्या समझ में आया आपको, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप। तो ये बात समझ में आ गई, आइए अब थ्योरी पढ़ते हैं। सवाल मेरा क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में पहले बताएगा, पहले मैं इंड्यूस और ऑटोनोमस में नहीं आ रहा हूं, पहले मैं इन्वेस्टमेंट को क्लेरिफाई कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट सिग्निफाइज रियल और फिजिकल इन्वेस्टमेंट। बच्चे जो आपका फिजिकल इन्वेस्टमेंट होता है ना, जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट होता है आपका, जैसे ये, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम रियल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम रियल इन्वेस्टमेंट भी कहेंगे। तो वही कह रहा है, इन्वेस्टमेंट सिग्निफाइज रियल और फिजिकल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या दर्शाता है, रियल और फिजिकल इन्वेस्टमेंट, विच मींस द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट्स सच अ मशीनरी इक्विपमेंट्स, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, इन्वेंट्रीज एंड द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। जो भी चीजें, ये आपका फिजिकल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा है कि फिजिकल इन्वेस्टमेंट या फिर रियल इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट विच मींस द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट्स सच एज मशीनरी इक्विपमेंट्स कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन्वेंट्रीज एंड द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कंज्यूमर गुड्स, क्लियर है। द मनी स्पेंट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लेकिन जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है लाइक बॉन्ड्स, डिबेंचर्स,
शेयर एक्सेट्रा कम विद इन द कैटेगरी ऑफ द, ये किसी कैटेगरी में आते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, एंड हेंस इज नॉट इन द रियल इन्वेस्टमेंट, इसको रियल इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे. इंक्रीज इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डज नॉट इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट्स. भैया अगर आप इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोई स्टॉक वगैरह बढ़ रहा है. बस इंक्रीज इन द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डज नॉट इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट्स. दीज आर मीन्स फाइनेंशियल ट्रांसफर फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन. देर आर टू फॉर्म्स ऑफ द रियल इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट. अब ग्रॉस नेट इन्वेस्टमेंट का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस में डेप्रिसिएशन आ जाता है. क्लियर है? If for maintaining the present level of the investment, investment is equal to the depreciation, net investment will be zero. वही कह रहा है कि अगर आपका gross investment और net investment equal है तो आपका depreciation क्या होगा? Depreciation आपका zero होगा. Clear है जी? बात समझे? और यहाँ पर एक diagram बना के बता रहा है आपका कि ये हमारा income है, national income है, ये income है. Induced investment के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैं induced investment की बात कर रहा हूँ. ठीक है जी? तो क्या है? मेरा नेशनल इनकम है. और मैंने आपको बताया डायरेक्ट रिलेशन होता है, नेशनल इनकम ज्यादा होने का मतलब होता है कि लोगों के पास में, लोगों की आमदनी का ज्यादा होना मतलब लोगों की परचेसिंग पावर का ज्यादा होना, मतलब लोगों की डिमांड का ज्यादा होना, मतलब कि उसको फुलफिल करने के लिए सप्लाई ज्यादा करने की नीड है, और सप्लाई को फुलफिल करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि आपको प्रॉफिट हो. तो इसलिए इनकम से डायरेक्ट रिलेट होता है. जब इनकम ज्यादा होती है तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है. तो ये इनकम है और ये मेरा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है. और जैसे आप देखिएगा ये आई से रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसे जैसे आपके पास में, क्लियर है? समझे? इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे आपके पास में क्या इनकम ज्यादा होती जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी आपकी ज्यादा होती चली जाएगी. द इन्वेस्टमेंट विच इज द मोटिवेटेड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, जो किससे मोटिवेटेड है, प्रॉफिट इसका उद्देश्य है, इज नोन एज द इंड्यूस इन्वेस्टमेंट. दिस इन्वेस्टमेंट इज अफेक्टेड बाय द Change in the level of the national income. For example, if national income goes up, increase ho jayega, that leads to an increase in the demand and for the meeting the same increase in to the supply. Clear hai? Usko fulfill karne ke liye supply badhaya jayega, se investment karenge. Induced investment is income elastic. Income elastic ka matlab ye hota hai ki income mein change aane ka induced investment par impact padega. Elastic matlab flexibility. इनकम इलास्टिक मतलब कि इनकम में चेंज आने से इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में फर्क पड़ेगा. तो इसलिए इसको इनकम इलास्टिक मतलब कि उसका इंपैक्ट पड़ेगा. क्लियर है जी? और हम बात करते हैं अब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात. वो डायग्राम को यहां पर एक्सप्लेन कर रखा जो मैंने पीछे बनाया दिखाया था. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि गवर्नमेंट कुछ नया इन्वेंशन होता है, कुछ क्रिएशन होता है, तो वहां पर इकोनॉमी में पैसा डालती है. इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. जो फिक्स लमसम अमाउंट गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, इसका हमारे इनकम नेशनल इनकम से कोई लेना देना नहीं होता है. अगर मेरी नेशनल इनकम जीरो है तब भी सरकार ने यही पैसा लेवल लग रखा है. नेशनल इनकम मेरी बढ़ गई तब भी यही इन्वेस्टमेंट का लेवल है. नेशनल इनकम और बढ़ गई तो मेरे पैसे का लेवल यही बना हुआ, इन्वेस्टमेंट का लेवल यही बना हुआ है. इसलिए क्या होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है. क्लियर है जी? इसी को ग्राफ के थ्रू समझाया हुआ है और इस बात को लिखा भी है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट. इंडिपेंडेंट इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि नेशनल इनकम पे डिपेंड नहीं होता. बिकॉज It is does not relate to the level of income. The factor affecting it are the other than the income. कोई और factor affect कर सकती है but income इसको affect नहीं करती है. The volume of the autonomous investment is the same at all level of the income. Income का कोई सा भी level हो इसका volume क्या रहता है? Same रहता है. This investment is income inelastic. Inelastic का मतलब कि income में change आने का इस investment पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. This type of the investment is generally affected by the discovery of the new goods, increase in the population, Change in the nature of consumers' demand, etc. Clear? Generally, such an investment is done by the government. ये important line है. इसको पहले देंगे ज़्यादा better है.